أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقهوا قولي بچے آپ میری آواز سن رہے ہیں پچھلی دفعہ جو ہم نے لیکچر کیا تھا سورہ مومنون کی آیات ابتدائی 11 آیات تھی پچھلا لیکچر ہے جو ہم نے جو سورہ مومنون کی آیات پڑھی تھی لاسٹ ٹائم وہ کیا تھا آپ کے سامنے ہونی چاہیے کچھ باتیں میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم آج نیا ایک ٹاپک سٹارٹ کریں جی بچے آپ کے پاس پچھلا لیکچر اس کے نوٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ نہیں ہمارے پاس پچھلے دو لیکچر ہمارے کس ٹاپک پہ ہوئے ہیں بتا سکتے ہیں آپ اس پچھلا لیکچر جو ہوا تھا ہمارا لاسٹ ٹیوزڈے کو اور اس سے پہلے فرائیڈے کو اس کا ٹاپک بتا سکتے ہیں تھیم کیا تھا ان آیات کا جو ہم نے کی ہیں پچھلے دو لیکچرز میں لاسٹ جو دو لیکچر ہوئے ان کا تھیم کیا تھا بچے کو ریسپونس کریں جی ایک تو یہ ہو گیا اور ایک عباد الرحمان والی آیات پڑھی تھی اور ہم دوسری مومنون مومنین کی صفات والی آیات پڑھی تھی جی بالکل توصیف صحیح کہا آپ نے عباد الرحمن اور مومنوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا احکامات دے رہا ہے جو احکامات ان آیات کے اندر تھے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھا بن جاؤں اچھے سے اچھا بنوں اور مجھے پتہ چلے کہ طرز زندگی کیسے گزارنی ہے پتہ ہی نہیں چلتا شعور نہیں ہے امام مسجد کے پاس جاتے ہیں قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں علماء کرام کے پاس جاتے ہیں مفتیوں کے پاس جاتے ہیں فتویٰ لینے میں چلے جاتے ہیں یہ طریقہ زندگی ٹھیک ہے کیا یہ صحیح ہے اس کرنے سے کیا حیثیت ہے تو آپ کے سامنے بجائے کہ پورا قرآن پڑھیں اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے سمجھیں مشکل ہے کہ آپ سارا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے سمجھنے سے بھی آپ کو کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں کچھ بھول جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام آیات کو جو آپ کو قرآن پاک کے مختلف حصوں میں علیحدہ علیحدہ بھی ملیں گی لیکن ایک جگہ پہ یکجا کر دیا اکٹھا کر دیا کہ انسان کی اپنی شخصیت کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ یہ صفات ہوں گی عباد الرحمان والی ہوں مومنون والی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پسند کیا ہے کہ یہ صفات آپ کے اندر ہونی چاہیے ذاتی انسان کو اپنی ذاتیات کے حوالے سے
इस तरह तर्ज जिंदगी गुजारनी है। समझ आ गई बात की? जो हमने आयात पढ़ी थी उनका थीम ये था कि इंसान की शख्सियत को निखारना था, शख्सियत की इसलाह करनी थी, उसको एक डायरेक्शन देनी थी कि ए इंसान तूने इबादो रहमान वाली सिफात को अपनाना है तो ऐसे, मोमिनून की सिफात वाली जो सिफात है मोमिनून की उनको अपनाना है तो ऐसे। समझ आई बात की? आज हम जो करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, सूरह हुजरात की पूरी सूरह हुजरात है, 18 आयात पर मुश्तमिल सूरह हुजरात है। इसके अंदर तीन चीजें बताई गई हैं। पहले हमने इंसान की शख्सियत के बारे में पढ़ा। अच्छा, मुझे अब आंसर करें आप, मैंने आपको आखिरी लेक्चर में बताया था कि ये सूरह की जो आयात है, छोटी छोटी आयात है सूरह मोमिनून की और सूरह इबादुर रहमान की भी इतनी बड़ी आयात नहीं है। मैंने कहा था ये जुबानी याद करनी है। किस किसी ने किया है, कोई मुझे रिस्पॉन्स करे, और जिस जिसने नहीं किया वो भी रिस्पॉन्स करते। जिस जिसने सुरा की वो आयात याद कर ली है वो भी मुझे बताएं, जिसने नहीं की वो भी बताएं। इस वक्त 22 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, 22 के 22 मुझे रिस्पॉन्स करें। मुझे पता हो कि मेरी बात का कितना असर आप लेते हैं। अपने नाम के साथ लिख के बताएं, सर कर लिए हैं याद, अपने नाम के साथ लिख के बताएं सर नहीं की याद। बताएं ताकि मैं आगे चलूं, आइंदा मैं आपको कोई काम नहीं कहूंगा फिर, अगर आपने इस तरह का रवैया अख्तियार करना है तो। आप जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते मुझे। करें करें रिस्पॉन्स वाले रिस्पॉन्स करें, मुझे पता चले। मैं देखता जा रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा, आपको भी ये सबको आ रहा होगा सामने, ये वाली स्क्रीन जो है सामने चैट की, कोई एक ही बता दे कि कर लिया यार। आज का मुझे 100% यकीन था कि आपने नहीं की होंगी। आपको याद, देखिए आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसको याद करना। मैं समझता हूँ, मैं बहुत सारी बातें ऐसे करता हूँ जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो आपके लिए जरूरी है। सिलेबस अगर सिर्फ करना है तो ये अभी आज सूरह हुजरात है, इसके मैंने आयात भी लिखी है, तर्जमा भी लिखा है, आपको ऊपर से आयात पढ़ के सुना देता हूँ, नीचे तर्जमा उर्दू में पढ़ के सुना देता हूँ, मेरा सिलेबस तो पूरा हो गया। इन आयात को याद करने का मेरा मकसद ये है कि आप कभी जिंदगी में भूले ना कि हमारी शख्सियत को हमने निखारना कैसे है, क्या लवाजमात हैं, किन चीजों को, किस तरह की शख्सियत बनाने को अल्लाह पसंद करता है। कल को आपने एक सोसाइटी के अंदर मॉडल बनना है इंशाल्लाह, कामयाबी के बाद आपके 4 साल 5 साल पूरे हो जाएंगे, आपने आगे बढ़ना है, आपका अगला स्टेप है, और आपने अपने सिर्फ काम से नहीं पहचाना जाना, आपने अपनी अखलाकियात से पहचाना जाना है, अपनी सीरत से पहचाना जाना है, खानदानों में भी, दुनिया में भी, प्रोफेशन में भी, हर जगह पर। और अखलाकियात के लिए क्या चीजें होनी जरूरी है, किन चीजों को, अच्छे अखलाक को अल्लाह ताला ने पसंद किया है, डायरेक्शन क्या मिली है हमें, वो चीजें इबादुर रहमान की आयात और सूरह मोमिनून की इब्तदाई आयात, ये सारी आपको अगले लेक्चर तक याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ सिलसिला करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि अगर वॉइस से किसी से बच्चे से पूछना है तो किस तरह से मैं पूछ सकता हूँ, और खबरदार किसी ने ऊपर से देख के मुझे कुछ सुनाया।
बड़ी आसान है, याद है, इनको आप याद करें रटें। चलें जी शुरू करते हैं आज का सबक जो है। सूरह हुजरात, हुजरात हुजरा की जमा है, हुजरात हुजरा जैसे कहा जाता है किसी मोअज्ज़ज़ शख्सियत का, किसी दरवेश का। अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पे इस सूरह के अंदर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुजरा ने हुजरात को, कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के साथ बनाए गए थे हजूर सल्लम के अजवाज के लिए हुजरात, उनका जिक्र किया है, इसलिए सूरत का मुबारका का नाम सूरह हुजरात रखा है। ठीक है, इस सूरह के अंदर जैसे कि पहली सूरत में हमने लास्ट लेक्चर किया था, ये मैं बड़े सीक्वेंस के साथ आपके सामने कुरान को पेश कर रहा हूं ताकि आपको समझने में भी और अमल करने में भी, याद दहानी याद रखने के लिए भी ये चीजें बड़ी अहम हो। आज के स्लाइड्स के अंदर मैंने कुछ नई चीजें इसमें डाली हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी और आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगी इस पर से। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने किया था कि इंसान की अपनी शख्सियत कैसी होनी चाहिए, कैसे अल्लाह ताला ने पसंद किया है, क्या डायरेक्शन दी है, क्या असूल बताए हैं इबादुर रहमान के लिए, ठीक है, और मोमिनून के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आज हमने करना है एक इंसान का माशरे के अंदर कैसा रवैया होना चाहिए। सूरह हुजरात के अंदर तीन तीन चीजें बताई गई हैं, अदाबुन नबी बताए गए हैं, ये माशरे की बात हो रही है जिस माशरे में कुरान नाजल हुआ है हजूर नबी करीम अलैहि सलाम के जमाने में। ये सूरह हुजरात जो है ये तकरीबन ये नाजल होती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों, क्योंकि हजूर सल्लम 10वीं 10 हिजरी 11वीं हिजरी को, 11 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से वफात पा गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए थे 11 हिजरी को। ये सूरह मुबारक 9 हिजरी या उसके बाद नाजल हुई है, तकरीबन हजूर सल्लम के आखिरी अदवार में आखिरी जो सूरतें नाजल हुई हैं उनमें से एक ये सूरत थी। और दूसरी बात यह है कि ये सूरह मुबारका की जो आयात हैं, जो ये एक ही दफा में नाजल नहीं हुई, मुख्तलिफ औकात में नाजल हुई। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किन किन वाकियात पर कौन कौन सी आयत नाजल होती है। ठीक है, इन आयात का जो सिलसिला है वो कितने अरसे तक रहा ये तो मुतय्यन नहीं है, लेकिन ये है कि जब ये आयात नाजल होती तो हजरत सल्लम फरमाते, हजरत नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते कि ये जो आयत अभी नाजल हुई है इसको फलां सूरह हुजरात के अंदर फलां आयत से पहले या उसके बाद इसको लिख लें, याद कर लें या लिख लें। ठीक है, मुख्तलिफ औकात पर ये इनकी आयात नाजल होती हैं, फिर इनको यकजा किया गया एक ही सूरत के अंदर। अदाबु नबी के बारे में बताया गया है उस माशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुतहर जो थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस जो थी वो उस जमाने में सबसे ज्यादा तकदीस वाली थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने एक तो इंसानों को बताया कि आपने अपने नबी से जब बात करनी है, अपने नबी को जब बुलाना है, या उनकी मजलिस में बैठ के आपस में जब बात करनी है तो किस तरह, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चलना है तो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होना है तो किस तरह, आवाज अगर कोई बात करने का सवाल पूछना है तो किस तरह, सारे आदाब अल्लाह ताला ने लोगों को बताए। फिर माशरा के हवाले से बात की गई कि अगर मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ मामलात रखने हैं तो किस तरह। बच्चों और बाकियों को पीपीटी शो हो रही है, अक्सा को तो नहीं हो रही, अगर अक्सा आप रीस्टार्ट कर लें अपना तो शायद आ जाए। अच्छा जी, बाकी को हो रही है मुझे बताएं ताकि फिर मुझे पता हो कि आपको शो हो रही है, मैं आगे चलता हूँ। अदाबो नबी के बारे में बताया गया है और एक दूसरे के साथ मामलात के हवाले से इस सूरह हुजरात के अंदर बताया गया है कि आपने किस तरह से बात एक बात करनी है, किन किन चीजों को अपनाना है, किन किन बुराइयों को आपने तर्क करना है। अच्छा जी,
मैं एक मिनट देखता हूँ। आप कहेंगे ये हमें पढ़ाने आ गए यहाँ पे। मैंने कहा है आपको अभी हो जाता मसला रिजॉल्व जो है आपका बच्चों। अच्छा तब तक हम मैं बात कहाँ पे कर रहा था, पहले याद में जो हमने लास्ट लेक्चर्स किए उसमें इंसान की शख्सियत को निखारा गया है, उसको बताया गया, डायरेक्शन दी गई है। इन आयात के अंदर सूरह हुजरात के अंदर तीन चीजें, एक तो अदाब नबी बताए गए हैं माशरा के अंदर आप के साथ किस तरह से मामलात करने हैं, किस तरह से बात करनी है, और दूसरी बात इसमें ये की गई कि आपके आपस में जो मामलात है वो किस तरह के होने चाहिए। ये शमसा भी करी नहीं हो रही, नहीं हो रही जी सर। सर ये एक पेज तो मुझे भी उधर शो हो रहा है, इसके बाद तो अभी करेंगे तो शायद इस वजह से वो सारे कह रहे हैं सर पीपीटी शो नहीं हो रही। हाँ क्योंकि एक पेज सब कुछ हो रहा है, उन्हें ये देखिए अभी तो इंट्रोडक्शन अभी तो शुरू किया है ना, उन्हें कह रहे कि अभी तो शुरू किया है वो फर्स्ट पेज पे इसलिए बाकी शो नहीं हो रही। मेरे ख्याल में सर वो लोग यही कह रहे मुझे भी सर पता है जब वो इंट्रो है वो तो फर्स्ट पेज पे रहेगा। अच्छा बच्चे पहले भी हो रही थी वो, पहले सिर्फ पहला पेज था वो, तो सिर्फ मैंने वैसे ही इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ सूरह का मतलब क्या है, माना क्या है। अभी मुझे भी बहुत भी परेशान हूँ मैं, 7 मिनट आपने इसी में जाया कर दिए। अच्छा जी आगे चलते हैं, चलो आप शुरू करते हैं। इस सूरह का दूसरा नाम सूरह सूरह आदाब भी है, कुछ मुफस्सरीन ने इसका नाम सूरह आदाब भी रखा है, आदाब अदब कैसे आदाब सिखाए गए हैं इसके अंदर। मजलिस रसूल का आदाब अदब सिखाया गया है, आपकी आवाज से ऊंची आवाज ना की जाए, ये आदाब है। ये मैंने पॉइंट बनाया इन सब से मुतल्लिका या जो हम आगे पढ़ेंगे, आपकी आवाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची आवाज ना की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई आगे आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमा रहे हैं, कुछ बात कर फरमा रहे हैं तो आगे से बोलना ना शुरू कर दिया जाए। जैसे हम आपस में जब बात कर रहे होते हैं कभी बात शुरू करते दूसरा उसकी बात का साथ ही एंड भी कर देता, हाँ नहीं ऐसे ही है ऐसे ही है, ठीक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, ये सिखाया जा रहा है। दरवाजा पर खड़े होकर चला चला कर आप सुना जाए, ठीक है। हुजरात पे के सामने खड़े होकर अभी हम इसके मुताबिक आगे पढ़ेंगे, अब का ख्याल रखा जाए। हजूर सलम के आराम और राहत का ख्याल ही नहीं करना, ठीक है। हजूर मारी होती थी जैसे कि मफूद आते थे आप सलम के पास, कई कई 100 लोग मिलकर आते थे, कबाइल आते थे हजूर सलम के पास, आपसे दीन सीखते थे, इस्लाम कबूल करते थे, सबसे बात बैत भी लेनी सबसे और उनको दीन सिखाना भी। आयात हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए भी वक्त मुकर्रर था वही के आने जाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जमात अजवाज मुतहरात भी थी, उनको भी वसल्लम ने किसी भी काफर मुशरिक या किसी यहूदी या कोई भी मजहब की किसी ने कोई
है एक रवायत, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला खुद इंसानों को बता रहा है कुरान पाक के अंदर आपके आराम और राहत का ख्याल रखा जाए। आज़ुसलम खुद तो मुंह से कुछ नहीं कहते, फरमाते हैं नज़ाकत से, लेकिन आप ए लोगो ख्याल रखो आपके आराम और राहत का, ठीक है। यह भी आज़ुसलम की सुन्नत पर अगर हम अमल करें, आज मतलब थोड़ा सा कोई काम, कोई जिम्मेदारी आ जाती है, कोई दूसरा शख्स को अगर साहिल बनकर आता है किसी वजह से आता है, तो हम उसे कहेंगे यार वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर अंदर से किसी और के हाथ पे काम भेज दो, क्योंकि घर ही नहीं है, अभी वो बिजी है, ये सोए हुए हैं, ठीक है। हमें अगर कोई आता है उसके पास को सुनना चाहिए, ये हजूर के लिए हमें मिलती हैं चीजें। चलिए उम्मीद है अपनी कटेगी आवाज, दोबारा मैंने की है। अच्छा, ये तो आदाब नबी के बारे में सारी बातें बोली, फिर माशरे के आदाब के आदाब बताए गए हैं कि अफवाहों पर कान ना धरा जाए, यूं ही अफवाह कोई फैल जाए तो उसके ऊपर कान धरे, उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर दिया, बिला तहकीक कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए, पहले तहकीक कर ली जाए, बात की नौयत को समझा जाए, उसकी हकीकत को, उसके सच्चे और झूठे होने को समझा जाए, आपका दिल मुतमईन हो जाए कि यह बात ठीक है, फिर कोई कदम उठाया जाए। ये हमारे बहुत सारी लाइफ के इवेंट्स आते हैं, कुछ सीरियस इशू होता है, उसके हवाले से ये बात की गई है, जो दूसरे के लिए माली और जानी नुकसान और अपने लिए नदामत और पछताने का बायस हो, ऐसी बातों पर अमल करना कि जो दूसरों को जानी भी और माली भी नुकसान। जी जी, इसी सूरह का वाक्य है, तो सिर्फ साहब वो बताया ना कि सहाबा कराम आते थे रसूलुल्लाह के पास बैठते थे और फिर दीन भी सीखना और बातें भी करनी हो या आपस में भी करनी है तो वो बहुत आखिर करते थे, देर भी करते थे, तो अल्लाह फरमाए कि उनके आराम और रात का ख्याल रखा जाए। मोमिनीन को आपस में भाइयों की तरह जिंदगी गुजारने की तलकीन की गई है, बाहमी इख्तलाफात की सूरत में 16 सफाई की तालीम दी गई है, अभी हम आगे इन आयात को पढ़ेंगे। जालिम और हक धर्म के खिलाफ मजलूम की मदद का हुक्म है, जालिम अगर किसी के साथ जुल्म कर रहा है चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना है तो उसके खिलाफ मजलूम की मदद की जाए, जालिम का खिलाफ के खिलाफ खड़ा हुआ जाए, मजलूम की मदद की जाए। किसी भी फर्द या जमात के इस्तेहजा और तमस्खर से बाज रहने और बदगुमानी से बचने की तरकीब दी गई है। इस्तेहजा तमस्खर मजाक उड़ाना को कहते हैं, गीबत को बदतरीन अमल करार दिया है कि अपने भाई की मैयत से गोश्त नोच कर खाए, ठीक है, अपने भाई की मैयत से गोश्त नोच कर खाए, ये गीबत की इतनी ज्यादा वईद बयान की गई है, इसको नापसंद करार दिया गया है इस अमल को। आगे हम आयात में पढ़ेंगे इस हवाले से, पूरी इंसानियत को एक घराने के अफराद बताया गया है, सारी इंसानियत जो है वो एक घराने का अफराद बताया गया है, खानदानों और बरादियों की तकसीम को तस्लीम करते हुए, खानदानों और बरादरियों की तकसीम को तस्लीम किया गया है, वो जट है, वो अराई है, वो राजपूत है, वो फलां है, वो फलां शेख है, वो फलां से है, वो फलां से जात से कौम से है, मोची है, कोई भी तस्लीम किया गया है खानदानों बरादरियों की तकसीम को, ठीक है। इसे फजीलत या एजाज की बुनियाद करार देने से बाज रहने की तलकीन की गई है कि किसी एक बरादरी या खानदान को एजाज या फजीलत नहीं दिया जा सकता, खानदान की किसी शख्स को उसके खानदान या बरादरी की बुनियाद पर फजीलत या एजाज देने की से बाज रखा गया है, यह ऊंचे खानदान से है, जैसे मैंने जितनी आपको वो बताई है अभी जात बरादरी के, ये कम नीच खानदान से है, नहीं, इसकी बुनियाद जो है फजीलत एजाज की वो खानदान या बरादरी नहीं है, क्या है, इस्लामी माशरा में एजाज और एहतराम की बुनियाद तकवा पर है, बताया गया है कि ईमान की सदाकत के सबूत की अलामत। अच्छा, आखिरी बात ये की गई है कि ईमान की सदाकत के सबूत की अलामत, कि ईमान अगर सच्चा है आपके दिल के अंदर, उसका सबूत ये है कि जहाद फी सबीलिल्लाह में जानी और माली शिरकत करें, ठीक है, जहाद की तनकीद की गई है। अब हम हमारी सूरह मुबारक शुरू हो जाती है यहां से, सबसे पहले
अदाब व नबी के बारे में ये एक दो आयत आएंगे, उसके बाद इस्लाम माशरा के हवाले से बात होगी, उसके बाद फिर इंसान का अल्लाह ताला पर जो फराइज बयान किए गए हैं उनकी बात की जाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब बच्चे जो है ना बाबूजू ही बैठे होंगे, कुरान पाक शुरू होने लगा है। और अगर किसी के पास कोई इख्तियार है तो छोटे या बड़े के किसी को साथ बुलाने का बिठाने का, बुलाएं उसको भी साथ बिठाएं ताकि आपको और उसको कुरान समझ आ जाए, कुरान को का तर्जमा और किस तरह से करना है, किस तरह से समझना है और क्या क्या अहकाम दिए गए हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, पिछले जो लेक्चर हमारे हुए थे वो इंसान की अपनी शख्सियत के को निखारने के लिए, अपनी शख्सियत को बनाने के लिए डायरेक्शन और सूर बताए गए थे, हिदायत दी गई थी, अहकाम दिए गए थे इंसान के शख्सियत के बारे में। आज जो बात होने होनी है वो इंसान के माशरा, एक माशरे में रहते हुए दूसरों के साथ मेल जोल रखते हुए किस तरह से उसकी उसके जो अहकाम हैं वो क्या हैं, असूल क्या हैं, माशरे की माशरती असूल क्या हैं इस्लामी माशरे की, और किस तरह से आपने मेल मलाप जो करना है, बर्ताव जो करना है माशरे के अंदर, किस उसके असूल क्या हैं। आज की जो आयात है उनका थीम ये है। अच्छा किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका तर्जमा आपको आता ही है, ए ईमान वालो। ठीक है, ए ईमान वालो या ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, दोनों तरह से ठीक है। ला तुकद्दमु बैना यदायिल्लाहि व रसूलिहि, ला तुकद्दमु, कद्दमु तो कद्दमु इसका मजदर है कादमा, बढ़ना, आगे बढ़ना, पहल करना, जब जंग होती है तो ग्रुपों के दरमियान दोनों में से एक तकदीम करता है, एक पहल करता है तो फिर जंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ला तो कद्दमु ना बढ़ो, ला ना ही ना तो कद्दमु बढ़ो, आगे बढ़ो, बैना यदायिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल के आगे। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, डरो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला भी है और देखने वाला और इलम भी रखता है, इलम वाला जाने वाला है। इन आयात के अंदर अदाबु नबी ही बताए गए हैं कि ऐ ईमान वालों, नबी की मजलिस में जब बैठो, नबी अगर कोई बात कर रहा है तो उनकी बात में, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल के सामने पहल ना करो। वो अगर कोई आयत बयान कर रहे हैं, फरमा रहे हैं नबी, मतलब वो अल्लाह का कलाम बता रहे हैं, तो भी उनकी बात को काट कर या उनकी बात को बगैर सुने अपनी बात करना शुरू कर दो। फरमाया गया है कि नहीं, ये अदाब नबी के खिलाफ है, ऐ ईमान वालो ला तुकद्दमु, आगे ना बढ़ो, पहल ना करो किसी भी बात के जवाब में, बैना ज्यादा इल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल के। अल्लाह के आगे बढ़ने के हम समरा दिया कि जब अल्लाह का कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, सुना रहे हैं, फरमा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो भी उस बयान को, उस बात को, उस कलाम को सुना जाए। ठीक है, वो तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है डरो फिर अल्लाह से, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर डरो मुझसे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला, तुम बोलते हो ना आगे से, बात अभी पूरी नहीं होती तो बोलना शुरू कर देते हो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला है, यहाँ पे अल्लाह तआला की सिफात बयान की है, एक सिफात में से एक सिफत है, समीउन अल्लाह तआला सुनने वाला है, अल्लाह भी सुन रहा है, समीउन अलीम और जानने वाला भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, या ए ईमान वालो, दूसरा अदब सिखाया जा रहा है, ला तरफाऊ, ना तरफाऊ का मुझे मज़दर बताएं, क्यों बताएगा मुझे, बताएं जल्दी से, तरफाऊ का मज़दर क्या है, हरूफ जो है ना मुझे वो लिख के बताएं, जैसे अलिफ बा ता, इस तरह से बताएं इनमें तीन हरूफ जो हैं वो मज़दर कौन से हैं तरफाऊ में। ऐ ईमान वालो, ला तरफाऊ असबातकुम, मैंने माना नहीं पूछा, मैंने आपसे इसका मजदर पूछा, तरफाऊ का मजदर क्या है,
बेसिक जो तीन हरूफ हैं इस लफ्ज के वो कौन कौन से हैं? बच्चे को बताएंगे मुझे जल्दी? रुबाब, जिंदाबाद। सना कंवल ने भी सही कहा है। तारा, अदीना। गलत हो गई आप। रेफे आयन। अक्सा ने भी बिल्कुल सही कहा। राफा, आराफा का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचा। रफा, ऊंचा। जैसे हम कहते हैं ना कि आला और अरफा, बेहतर और ऊंचा मुकाम अल्लाह ताला अता करे। रफा का मतलब है ऊंचा, बुलंद। या अय्युहल्लज़ीना ना मानू, ऐ ईमान वालो, ला तरफाऊ, ना ऊंचा करो, बुलंद करो। अस्वातकुम, इसका मतलब बताएं मुझे अब। अस्वातकुम, अस्वातकुम। इसका मजदा क्या है? हीरा, मैं तो बहुत आगे चला गया हूं, उसका मजदर मुझे बताएं। अस्वातकुम, मुझे तो सिर्फ अलग अलग से हरूफ बताएं, तीन हरूफ कौन कौन से हैं? अस्वातकुम, लुबैना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये अभी अस्वातकुम फाउ का साउत इन नबी, ये जो आगे फाउ का साउत आया ना, इस ये ही इसका मजदर है अस्वातकुम का। बहुत देर कर देते हैं आप। ला तरफाउ, ना बुलंद करो। अस्वातकुम साउत कहते हैं आवाज को। अस्वातकुम अपनी आवाजों को। ला तरफाउ, ना बुलंद करो। अस्वातकुम अपनी आवाजों को। फाओ का ऊपर, सौत नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाजों से, या नबी के आवाज से अपनी आवाजों को। सीन कहां से आ गई सना कंवल? इसमें सीन नजर आ रही कहीं पे? स्वाद है, स्वाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सुन लो अब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तरफाऊ, ना बुलंद करो। अस्वातकुम अपनी सौतों को, अपनी आवाजों को। फाउ का सौत नबी, नबी की आवाज से, ठीक है, नबी की आवाज से अपनी आवाजों को बुलंद ना करो। वला और ना तजहरू लहू बिल कौले, और ना वला तजहरू लहू। लहू का माना है उनसे, नबी से जब बात करो तो भी। एक तो पहली बात अदब ये सिखाया जा रहा है कि नबी की मजलिस में तुम बैठे हुए हो, नबी कुछ बता रहे हैं या अभी खामोश हैं, तो आप आपस में अगर बात कर रहे हो तो भी आपकी आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज थी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे धीमी धीमी आवाज में बात करनी है आपने, उससे कम दर्जे की आवाज में आपस में अगर बात करनी है तो ऐसे बात करनी है। फौका सौतिन नबी, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज थी, उसकी आवाज से नीचे धीमी आवाज में, दबी आवाज में आपस में बात करनी है। और जब यहां पे दूसरा दम आगे कहा जा रहा है, वला तजहरू लहू बिल कौले, और जब नबी से बात करो तो भी, जैसा कि तुम एक दूसरे से क्या करते हो, तो भी बुलंद आवाज में नहीं बात करनी। वला तजहरू बिल कौले, वला तजहरू लहू, और ना नबी से जब बात करो तो ऊंची आवाज में बात, बुलंद आवाज में बात करनी है। बिल कौले का जहरे, कि जिस तरह तुम आपस में ऊंची आवाजों में बात करते हो, एक बात करता है तो दूसरा उससे ऊंची आवाज में बात करता है अपने आप को साबित करने के लिए, या बात को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, और ऊंची आवाज में बात करते हैं। ये आदाब सिखाए गए हैं, ठीक है।
ऐ ईमान वालो अपनी आवाजें नबी की आवाज से बुलंद ना किया करो और ना बुलंद आवाज से रसूल से बात किया करो, जैसा के का जहरे कि तुम एक दूसरे से किया करते हो। बादेकुम ले बाद एक दूसरे के साथ, बादेकुम ले बाद एक दूसरे के साथ, अन कहीं या के तहबता खत्म हो जाएं, जाया हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, अंत बता के बर्बाद हो जाएं, कहीं बर्बाद हो जाएं, आ मालकुम तुम्हारे अमाल, वान तुम ला ताशोर हो, वो तुम्हें शऊर ही ना हो, तुम्हें पता ही ना चले, खबर ही ना हो। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाना चाह रहा है कि एक नबी से जब अगर बात करनी है, उसके मजलिस में बैठ के आपस में जब बात करनी है, तो आपको इन आदाब को मलहूज खातर रखना है। या अय्युह लजीना आमनू ऐ ईमान वालों ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद ना रख किया करो। वला तजहरू लहू बिल कौले, और जब नबी से बात करो तो भी बुलंद आवाज में बात ना करो, का जहरे जैसे बातों को मिले बात, जैसे तुम एक दूसरे आपस में बातें करते हो, इस तरह से नबी से बात नहीं करनी। अंत बता कहीं जाया ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, आमालकुम तुम्हारे अमाल, वान तुम लाता शौरून तुम्हें पता ही ना हो, तुम्हें शौर ही ना हो, तुम्हें खबर भी ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक जो यगुदूना दबाते हैं, गैज गैज दबाना, धीमा करना, दबना दब जाना, यगुदूना अस्वातहुम अपनी आवाजों को धीमा रखते हैं या दबा लेते हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक जो यगुदूना दबा लेते हैं अस्वातहुम अपनी आवाजों को, पिछली जो आयत थी उसी की कंटिन्यूटी में ये अगली आयत है, उसी तसलसल में है। अल्लाह फरमाता है कि ना किया करो साउत को बराया ना करो, जो लोग इन लजीना बेशक जो लोग या गुद्दूना अस्वाता हूं, जो धीमा रखते हैं अपनी आवाजों को हजूर सल्लम के हजूर, जब इंदा रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह के नजदीक जब होते हैं, के हजूर में जब होते हैं, इंदा का माना होता है करीब, तो यहाँ पे अदब से बात की जा रही है कि हजूर में रसूल सल्लम की हाजिरी में के हजूर में जब हों, तो जो लोग यगुदूना दबात लेते हैं अस्वातम अपनी आवाजों को धीमा रखते हैं, धीमा कर लेते हैं, उलाएक लजीना यही वो लोग हैं जो इम्तहान लाहो कुलूबा हूं लितकवा, अल्लाह ने परख लिया, इम्तहान परखना जांचना इम्तहान ले लेना, ठीक है, अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया या परख लिया कुलूबहुम उनके दिलों को, लितकवा परहेजगारी के लिए, कि जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर अपनी आवाजों को धीमा रखा, अल्लाह ताला ने इस चीज को पसंद फरमाया, फरमाया कि मैंने उलाएक लजीना ये वो लोग हैं कि इम्तिहान अल्लाह हो कुलूबहुम लितकवा, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को परहेजगारी के लिए जांच लिया है, परख लिया है। लहुम मगफिरातुम अजरुन अजीम, उनके लिए बख्शिश भी है और अजर अजीम भी है। इतना सा काम करने में, इतना सा काम करना है, सिर्फ अदब बजा लेकर आना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर, तो अल्लाह फरमाता है उनके लिए दो इनामात हैं, एक मगफिरत है, लहुम मगफिरातुम उनके लिए मगफिरत है, और दूसरा अजर अजीम और बेहतरीन अजर है। इन अब देखें इस आयत से हमें क्या हासिल होता है, बेशक जो लोग अपनी आवाजें रसूल के हजूर रसूलुल्लाह सल्लम के हजूर धीमी कर लेते हैं, यही लोग हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों को परहेजगारी के लिए जांच लिया है, इनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। ये तर्जमा है। अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर आपके हजूर हाजिर होकर इंसान या उस दौर के सहाबी जब अदब बजा लाते थे, अपने लहजे को धीमा कर लेते थे रसूल सल्लम से बात करते हुए, या आप सल्लम की मौजूदगी में एक दूसरे से बात करते हुए, यानी रसूल सल्लम के साथ जब बात करते हुए अपनी आवाज़ को धीमा रखते थे, अजब अदब बजा लाते थे, तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको दो इनामात दिए, एक बख्शिश लहु मगफिरतुम, दूसरा वाजरुन अजीम,
बच्चे अजर का मतलब अजर होता है, जजा होती है, बेहतरीन हो या बड़ा अजर हो एक ही बात है, कुछ भी आप लिख। अजीम का मतलब दोनों ही है, बड़ा भी और बेहतरीन भी है। अजीम आप बड़ा ही लिखेंगे, ठीक है। वाजरुन अजीम, अच्छा उन लोगों के लिए, उन असहाब के लिए कि जो रसूल के सामने अदब अदा जाते थे, धीमी आवाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करते थे, अल्लाह ताला ने उनको दो इनामात दिए, एक लहू मगफिरातुन और दूसरा वाजिबुन अजीम, मगफरत भी दिया और बख्शिश भी करे, माफ भी कर दिया गुनाहों को, और दूसरा उस मजीद उनको इनाम दिया है, अजर अजीम दिया है। तो मुझे कहने दीजिए बच्चों, कहने दीजिए, इस आयत का एक मतलब और भी समझ में आता है, वो क्या है कि आज अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुतहरा पर अदब बजा लाते हुए, धीमी आवाज में, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ जब दरूद पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला आज हमें भी ये दो इनामात अता फरमाता है, एक लहू मगफिरातुन वाला वा अजरु नजीम, दोनों। आज भी ये आयत की सदाकत मौजूद है। इसकी सदाकत के लिए मैं अपनी बात जो मैंने की है, ये मैंने खुद से नहीं की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, आपको भी आती होंगी, कि जो शख्स एक मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसके 10 गुना माफ कर देता है, फिर अल्लाह ताला उसके उसके हक उसके लिए 10 नेकियां लिख लेता है, और उसको अल्लाह तबारक ताला 10 ब्लेसिंग्स जो है ना, अल्लाह ताला 10 जो इनामात हैं, 10 रहमतें उस पर नाजिल करता है, एक दफा दुरूद पढ़ने से। क्या हदीसें में हमारे सामने हैं, उनको भी मद्देनजर रखें, साथ ही शायद को भी रखें, ये याद रखें आप आज, इन लजना यगुदूना असवातहुम, जो लोग यगुदूना दबाते हैं असवातों में, अपनी आवाजों को दबा लेते हैं, धीमा करते हैं, इन ता रसूलुल्लाह रसूल सल्लम के हुजूर या रसूलुल्लाह सल्लम के नजदीक, आप सल्लम की मजलिस में, आप सल्लम के पास, आप सल्लम के करीब अपनी आवाजों को दबाते हैं, उलाएक लजीना, ये वही लोग हैं, इम्तहान अल्लाह हो कुलूबा हम लितकवा, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को परहेजगारी के लिए जांच लिया है, लहू मगफिरत माजबर नजीम, उनके लिए अजर है और मगफिरत बख्शिश भी और बड़ा अजर है। आपको बात समझ आ गई है बच्चों? आज भी अगर हम बड़ी मोहब्बत के साथ अदब को बजा लाते हुए नबी करीम सलाम के जाते अक्दस पर धीमी आवाज में जब दुरूद पढ़ते हैं, सलाम भेजते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला आज भी अपनी बात से नाउज़ुबिल्लाह मुकर्र नहीं रहा, अल्लाह ताला आज भी इंसान को मगफरत भी अता फरमा रहा है और अजर अजीम भी दे रहा है। तो कोशिश किया करें सुबह शाम, सुबह जब बेदार हो तब भी, और जब सोए तब भी, नबी करीम सलाम की ज़ात अक़दस पर, वो दिन में जब जब भी वक्त मिले, आप किसी सफर में होते हैं, लड़के बाइक पे होते हैं, तो दुरूद सलाम पढ़ते रहा करें, पढ़ते रहा करें, अल्लाह ताला आपकी मगफरत भी करता रहता है और साथ आपको अजर अजीम भी देता रहता है। आगे चलते हैं, इन लजीना, बेशक जो युनादूना का अगर आखिर पे जो का है युनादूना का, अच्छा इसका मुझे मजदर बताएं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ युनादूना का, इसके मजदर के जो 3 हरूफ है वो बताएं। बच्चे मेरी बात सुने, छोड़ दें उसे, इन लजीना जो नादूना का मुझे जवाब दे जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो नादूना का मजदर क्या है, जो नादूना का अपने आपस में बात करनी है तो फिर मैं उठ के चले जाता हूं, मुझे मजदर बताएं जल्दी से, आप खामोश हो गए हैं सारे, जो नादूना का इसका मजदर क्या है, नहीं आता तो भी बता दें। गलत है, युनादूना का गलत है, गलत है, नहीं गलत है, शाबाश शेरा, आपने काफी सही कहा है, नून दाल और अलिफ भी है साथ, नून दाल और अलिफ, हीरा का बिल्कुल ठीक है, नून दाल और अलिफ भी साथ है, निदा 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 देना, आवाज देना,
हीरा जफर साथ अलफ भी लिखें, नून दाल अलिफ पूरा लिखें, निदा नून दाल अलिफ लिखें, हीरा पूरा लिखें आप, निदा निदा आवाज देना बुलाना, निदाए कुन फयाकुन, ठीक है। इन लजीना बेशक जो जो ना दूना का जो आखिर पे है ना, इसका मायना है आप, तुम, तुम्हारा का इस मायना में आता है। जैसे हम आप देखें ना, आपको वितर पढ़ते हैं इशा की नमाज में, सूरह कनूत दुआए कनूत पढ़ते हैं, उसमें दुआए कनूत सना बिल्कुल नून दाल अलिफ सही है जो ना, अच्छा हम सूरत पढ़ते हैं दुआए कनूत पढ़ते हैं वितर की नमाज के अंदर, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नि अलैकल खैर, यही है, बार बार का आता है। तो इसका माना है कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह को हाजिर नजर जान रहे हैं। नमाज के हालत में इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, इंसान अल्लाह भी इंसान के बहुत करीब होता है। तो यहाँ पे हम जब दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह मैं नस्ताइनु का, अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं, वनस्ताइनु का वनस्तगफिरु का, और तुझसे बख्शिश मांगते हैं का, तुमसे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, इन लजना जो ना दूना का जो निदा देते हैं आपको, जो ना दूना का जो निदा देते हैं, निदा जो ना दूना का आपको निदा देते हैं, आपको आवाज देते हैं, पुकारते हैं, मिन वराइल हुजरात हुजरात आपके घरों के आपके हुजरात के बाहर से, ठीक है, समझ आ गई। इन लजीना बेशक जो जो ना दूना का आपको पुकारते हैं, मिन वराइल हुजरात आपके हुजरों के बाहर से, अल्लाह फरमाता है अक्सरहुम ला याकिलून, अक्सर ही बेअकल है उनमें से, तो अक्सर है ही बेअकल। बनी तमीम के कुछ लोग आप सल्लम के पास आए, आप सल्लम से बात करने के लिए, आप सल्लम को मुखातब हो रहे हैं, लेकिन आप सल्लम को घर से बाहर से ही, दरवाजे के बाहर से ही आवाज देना शुरू कर दी है, पुकारना शुरू कर दिया है। अल्लाह तआला फरमाता है, लेकिन इसको भी कहा कि अदब के दायरे में रहो, इन्ना लज़ीना युनादूना का, बेशक वो लोग, अल्लाह तआला फरमाया इन्ना, इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह ज़ीना युनादूना को जो आपको पुकारते हैं, हमीम पर आयर गुजरात के आपके हुजरात के बाहर से, आपके हुजरों के बाहर से आपको पुकारते हैं, अक्सरहुम ला याकिलून, अक्सर उनमें से अकल ही नहीं रखते, ठीक है। आगे चलते हैं, वलाओ और अगर, लाओ अगर, वा और लाओ अगर, लाओ का मतलब है अगर, अगर ये याद रखो, वा लाओ और अगर, अन्नहुम सबरु, अगर वो सबर कर लेते, हत्ता यहां तक के, हत्ता का मतलब है यहां तक के, हत्ता तखरुजु इलैहिम, आप खारिज होते, आप निकल आते, आप बाहर आ जाते, खाराजा निकलना बाहर निकलना, ठीक है। आप अक्सर किसी जगह पे जाएं, खरूज लिखा होता है, किसी इदारे में जब जाते हैं तो पे लिखा होता है एंटर, जगह पे लिखा होता है एग्जिट, तो एंटर वाले में उर्दू में अगर लिखा हो तो दाखिला लिखा होता है, और एग्जिट वाले पे खरूज लिखा होता है के बाहर निकलने का रास्ता ये है, हत्ता तखरुजु, यहां तक कि आप निकल आते बाहर उन पर, ठीक है, उनके पास आ जाते। ला काना, काना का माना बताएं मुझे जल्दी, कौन जल्दी से बताएगा, उसके लिए बहुत बड़ी शाबाश मेरे पास मौजूद है। काना, ला काना, काना का माना मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं, काना काना का माना बताएं जल्दी, तो सीफ ने बिल्कुल सही लिखा है, हो जा, रोशना ने भी सही लिखा है। निमर आप कागज के ऊपर, आपके सामने अगर है तो पेन भी है तो उसके ऊपर लिखें साथ, काना का मतलब है हो जाना, होगा, हो गया, हो जाए, हो जाना से मुतलका जितने भी अल्फाज हैं वो सारे इस काना कुन फयाकून
कौन हूं, ये सब मिलते जुलते अल्फाज हैं, हो जाना ठीक है। लकाना खैरुन लहुम, तो उनके लिए बेहतर होता, काना होता खैरन बेहतर, लहुम उनके लिए, समझ आ गई बात की, लकाना खैरुन खैरन लहुम तो उनके लिए बेहतर होता। शुरू से पढ़ते हैं, वालाओ और अगर अन्ना होम सबरु, अगर वो सबर कर लेते, सबर करते हत्ता यहां तक के, तखरुजो इलैहिम आप उनके पास आते, निकल आते, लकाना खैरन लहुम तो ये उनके लिए बेहतर होता, आप खुद ही उनके पास आ जाते। इस तरह से आपको बाहर से आवाजें दे के ना चिल्ला चला कर ना पुकारते आपको, तो उनके हक में यही बेहतर होता, उनके लिए बेहतर होता कि आप खुद उनके पास आ जाते, निकल आते। वल्लाहु बिशक अल्लाह गफूर रहीम, बख्शने वाला और रहम वाला है। समझ आ गई बात की, आगे चलते हैं। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन अगर जा का क्या मतलब है, जा अरबी में और उर्दू में क्या है, इन जाअकुम, जा का अरबी में जा है, उर्दू में इसका माना क्या है, आना, शाबाश आना, अरबी में जा, उर्दू में आ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन जाअकुम बेशक अगर, इन जाअकुम अगर आए, जाअकुम तुम्हारी तरफ आए, फासिक कोई फासिक तुम्हारे तरफ आए, तुम्हारे पास आए, बेनबाइन कोई खबर लेकर, नबाइन 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 नबाइन, हीरा गलत लिखा है, पास नहीं है, आना है, आना, जा अरबी में है, उर्दू में है आ, मतलब अरबी में अगर लिखा है जा तो इसका मतलब उर्दू में है आ, इन जा आकुम अगर आए कुम तुम्हारे पास, फासिक कौन, फासिक बेनिबाइन, बेनिबाइन की बात होने लगी, अब समझने वाली बात है यहाँ पे, नबाइन का माना है, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं नबी कहते हैं, नबी कहते हैं, नबाइन कहते हैं खबर देने वाले को, ऐसी खबर हाँ जी, चलें अब हम वापस आ गए हैं। बेनिबाइन की बात हो रही थी, बेनिबाइन नबाइन का माना है खबर देना, जैसे हम नबी का कहते हैं कि नबी वो होता है कि जो गैब की खबर दे, ऐसी बात बताए जो पता ना हो, को खबर लेकर आए, नबाइन। तो यहां पे बात हो रही है, अब फासिक बेनिबाइन, फासिक खबर देने वाला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, या ऐ ईमान वालो, इन जाअकुम अगर आए कुम तुम्हारे पास, फासिकुन फासिक बेनिबाइन किसी खबर के साथ, कोई खबर लेकर आए, फतबयनु तो तहकीक कर लिया करो, अन तुसीबु कौमन के तुम जा पड़ो किसी कौम पर, बे जहालत इन जहालत में, फतुसबहु और तुम्हें बेखबरी में, फतुसबहु तुम बेखबर हो, अला मा फअलतुम नादिमीन और तुम्हें नदामत हो, और फिर बाद में खबर जा पर, और फिर अपने किए पर पशमान होने लगो, नादे में
नादिम नादिम हो जाओ, होने लग पड़ो, होने लगो, नादिम होने लगो, शर्मिंदा हो जाओ। मतलब ये है याहिल जीनामा नु लोगो जो ईमान लाए हो, इन जा अकुम फासिकुन, अगर कोई फासिक बेनिबाइन एक खबर लेकर आए तुम्हारे पास, फतबयनु, तो पहले उसकी तहकीक कर लिया करो, तस्दीक कर लिया करो, अंतुसीबु, यहां तक के अंतुसीबु कौमन बे जहालतिन, कि तुम कहीं किसी कौम पर बेखबरी से ना जा पड़ो, यानी किसी कौम के साथ किसी फासिक की खबर पर किसी कौम के साथ मतलब किसी जंग का कोई झगड़े का मामला ना कर बैठो फासक की खबर पर बगैर तहकीक किए, फिर अपने किए पर पशमान होने लगो, फिर अपने किए पर जो शर्मिंदा हो। वह ये था इस आयत करीमा के शान नजूल, ये है कि वलीद बिन उकबा, अभी नया नया सलाम लेकर आए थे, ये फतह मक्का जब हुआ था 9 हिजरी में तकरीबन, ये सलाम इन्होंने कबूल किया है, जब फतह मक्का उस मौके पर इन्होंने सलाम कबूल किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना वापस आए तो बनी मुस्तलक, मली बनी मुस्तलक या बनु मुस्तलक, बनी मुस्तलक दोनों कहा जाता है जी, बिल्कुल निमरा नबाइन खबर देना। बनी मुस्तलक की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वली बिन उकबा को भेजा कि जाओ उनसे जकात लेकर आओ, उनसे जकात का माल लेकर आओ, उनके मालों से जकात लेकर आओ बनी मुस्तलक की तरफ। उधर बनी मुस्तलक जो कबीला था वो अपनी ताकत में मशहूर मारूफ था, उन्होंने भी इरादा किया हुआ था कि हम अपनी जकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर भेजेंगे, अब जकात अदा करेंगे, देंगे। वली बिन उकबा जब जाता है रस्ते में डर जाता है, खौफ खा लेता है कि मैं उस कबीले के पास जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ उनसे उनके मालों की ज़कात लेने के लिए, तो वो डर जाता है और वो वापस हज़रत सल्लम की खिदमत में हाजिर होता है वलीद बिन उकबा, और आपके आपको आके अर्ज करता है कि या रसूल सल्लम ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है। तो रसूल सल्लम ने सहाबा इकराम के साथ मशावरत की, मशवरा हुआ, तो आप ने फिर मशवरा ये हुआ कि हम उसके खिलाफ जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे जब तक वो ज़कात नहीं दे देते। तो आप जंग की तैयारी की, तो जब तैयारी करके निकले, इधर से ये निकले उधर से वो भी आए, जब टाकरा हुआ दोनों आमने सामने हुए तो पता चला कि ये तो वलीद ने झूठ बोला था जिसकी बिना पर यहाँ तक मामला आ गया है। तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाजिल की कि एक फासिक जो है, ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिक, अगर कोई फासिक आपके पास बेनिबाइन को खबर लेकर आए, पता भैया नू तो तहकीक कर ले करो, अंतुस्बहु कौमन, के तुम जा पड़ो किसी कौम पर बेजहालतिन, बेखबरी में, जहालत में, बेखबरी में, ठीक है, फतुस्बहु और तुम्हें खबर ही ना हो, ठीक है, बेखबरी में जा पड़ो किसी कौम पर, अला मा फअल तुम नादिमिन, तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी हो, नदामत हो। आगे चलते हैं, वालमु बेशक जान रखो, वालमु और जान रखो, अन्ना के वालमु, आलमु का वालमु का जो मजदर है वो है आलमा, जानना, इलम जानना, जैसे हम इलम कहते हैं ना, इलम जानना। वालमु अल्लाह फरमाता है कि और जान रखो, जान लो, अन्ना के फीकुम तुम में रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, लाओ अगर फीकुम रसूल अल्लाह, तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, वालम जान रखो, अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, लाओ अगर वालम जान रखो, अन्ना बेशके फीकुम रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, तुम में मौजूद हैं, लाओ अगर युतीउकुम फी कसीरिन मिन अमरिल मिन अमरिन, यहां पे बात हो रही है लाओ अगर युतीउकुम, युतीउकुम का जो मस्दर है वो है अता ताआ, ताआ अलिफ
तो आए अलिफ और आयन, ता मतलब है अतात करना, पैरवी करना। वो नहीं आए थे वाती उल्लाह वाती उर रसूल, अल्लाह की अतात करो, उसके रसूल की अतात करो, आती हो, यही वो बात है। लाओ यो ती ओकुम, अगर यहाँ पे, लेकिन हम अतात की पैरवी की बात नहीं करेंगे, ये बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि अदब से बात करनी है। अब हमने यहाँ पे बात है युती हुकुम, अगर वो कहाँ माने, अताल का मतलब ये होता है कि कहाँ मानना भी इसमें आता है, पैरवी करना भी आता है, कहाँ मानना भी आता है। लाओ अगर युती हुकुम, अगर अल्लाह के रसूल बहुत सारी बातों में तुम्हारा कहाँ माने, फी कसीरिम मिन अल अम्र, बहुत सारी बातों में, फी कसीरिम बहुत सारी, मिन अल अम्र बातों में, बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी बातों में, लाओ युती हुकुम, अगर वह रसूल अल्लाह के आपकी बात माने, तुम्हारा कहाँ माने, ला आनित तुम, तो तुम पर मुश्किल पड़ जाए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी सोचों से, आप अपनी बातों से अगर ये कहते हैं कि आप हमारी हर बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात मान लें, तो ये तुम पर ला आनित तुम मुश्किल पड़ जाए। लाफज है ला आनित तुम, ला आनित तुम, इसका माना बताएं, ला आनित तुम, कहते हैं ना लानत, एक लफज है लानत, आपको इसका माना तर्जमा पता है क्या है, लानत, लानत का तर्जमा पता है आपको, बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूं लानित तुम, हम कहते हैं ना कि लानत हो, तो हमें मना किया गया है अल्लाह और रसूल की तरफ से कि किसी पर लानत ना भेजा करो, अल्लाह खुद भी लानत करता है झूठों पर। ये तो आप तर्जमा देके मुझे बता रहे हैं ना बच्चों, आपको असल में मीनिंग का पता है, बताएं पता है या नहीं पता है, लानत हमें कहते हैं तुम पर लानत हो, लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत, अल काज़िबीन झूठों पर, लानत का मतलब है क्या, हम क्यों कहते हैं, इसका माना यही है कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ, को बहुत बड़ी मुश्किल तुम पर आ जाए, जाओ चले जाओ, ठीक है। तो नहीं कहना चाहिए ऐसे कि किसी इंसान को दूसरे इंसान से कि वो मुश्किल में पड़ जाए, अल्लाह ताला सानिया पैदा फरमाने वाला है और हमें भी हुक्म है दूसरे के लिए सानिया पैदा करें। हाँ ये बात हुई ना आज रुबाब तसीफ, अच्छी बात की है, अजियत में पड़ जाना, ठीक है। लानत का माना है कि तुम अजियत में पड़ जाओ, मुश्किल में पड़ जाओ, जबकि हमें मना किया गया है, ठीक है। लाना लानित तुम का समझ आ गई, लानित तुम फिर तुम, ताकि तुम मुश्किल में पड़ जाओ ऐसा करने से, कैसा करने से कि बहुत सारी बातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बात, तुम्हारा कहा नहीं मान सकते, ठीक है। अगर माने तो तुम पर मुश्किल पड़ जाए। वालामु और जान रखो अन्ना के फीकुम रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम पे मौजूद, तुम में मौजूद हैं। लाओ योती हुकुम, अगर लाओ अगर योती हुकुम वो तुम्हारा कहा माने, फी कसीर मिन अल अम्र बहुत सारी बातों में, तुम्हारा कहा माने, ला अनि तुम, तो तुम पर मुश्किल पड़ जाए। वलकिन और लेकिन, वलकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, और लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी, हब्बबा मोहब्बत डाल दी, इलैकुम तुम्हारे, इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फी कुलूबिहिम, और इसको तुम्हारे दिलों को अच्छा ज़य्यना हो, ज़य्यन करना, मुज़य्यन करना, बेहतर करना, अच्छा करना, मुस्तहसन मालूम होना, ज़य्यन से, ज़ैन से है, ज़य्यन से है, ज़ीनत से है, ठीक है। वज़य्यना हो और इसको अच्छा कर दिया है, फिकलोबिन तुम्हारे दिलों में,
वलकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुम अल ईमान वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी। वलकिन ओ लेकिन अल्लाह ने, वलकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ने हब्बबा इलैकुम अल ईमान वज़य्यनहू, अल्लाह ने ईमान की मोहब्बत डाल दी और उसे अच्छा कर दिखाया। फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, वकरहा इलैकुमुल और अल्लाह ताला ने नफरत डाल दी, करहत डाल दी, करहा नफरत डाल दी, करहत डाल दी तुम्हारे दिलों में। इलैकुमुल कुफरा कुफर की, वल फसूका फिसक की नाफरमानी की, वाल इसियाना और गुनाह की। ठीक है, फसूक फिसक को कहते हैं। अभी फासिक की बातें हो रही हैं सारी, पिछले जो आयात में हमने देखा है। फासिक को खबर लेकर आए तो उसकी पहले तहकीक कर लिया करो उस पर अमल करने से पहले। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने देखिए ना, ये आयत मुबारका पिछली आयत का जो मैंने आपको वाक्य सुनाया वलीद बिन उकबा की बात हो रही थी कि वो जब खबर लेकर आया तो ये मशावरत हुई और सबने कहा कि हम उनके खिलाफ जिहाद करेंगे। हज़रत सलम तैयार हो गए और उनके खिलाफ जहाद किया। अब अपने सामने दोनों फौजें हुई तो पता चला कि ये तो झूठ बोला था वलीद बिन उकबा ने। तो ये उसी आयत की कंटिन्यूटी में अल्लाह फरमा रहा है कि मालूम जान रखो अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम्हें मौजूद हैं। लाओ यतीयकुम, अगर बहुत सारी बातों में फी कसीर में नल अमर, बहुत सारी बातों में वो तुम्हारा कहा माने, लाए नहीं तो तुम, ये तुम पर मुश्किल हो जाए, मुश्किल पड़ जाए कि रसूलुल्लाह सल्लम ने तुम्हारी बात को मान लिया था, तुमने तहकीक नहीं की कि वलीद वहां तक पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा। खुद से अगर उसने बात कर ली और कहा कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया है। अगर नबी तुम्हारी बहुत सारी बातों में तुम्हारा कहा मानना है तो वो तुम पर मुश्किल पड़ जाए। ठीक है, वलकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में इलैकुम अल ईमान वज़य्यनहु, ईमान की मोहब्बत डाल दी और उसे अच्छा कर दिखाया तुम्हारे दिलों में। वकर रहा और नफरत डाल दी, इलैकुम अल कुफरा कुफर की नफरत डाल दी है, फसूक फिसक की नफरत डाल दी है, नाफरमानी की, वाइसियाना और गुनाह की। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हैं हदायत याफ्ता हैं जो। ठीक है, आगे चलते हैं बहुत जल्दी से, वक्त बहुत कम है। फदलम मिनल्लाह है, और जो हदायत याफ्ता हैं उन पर अल्लाह का फजल है, अल्लाह के फजल और फजलम फजल मिनल्लाह है, अल्लाह से फजल व नेमत, अल्लाह के फजल व एहसान से, अल्लाह के फजल और एहसान से। फजलम मिनल्लाह व नेमत, और अल्लाह के नेमत, अल्लाह के फजल और एहसान से। वल्ला हो और अल्लाह अलीमुन हकीम, जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। आगे जी, अब अगली बात हो रही है वाइन ताइफ ताने, ताइफ कहते हैं एक ग्रुप को, एक ग्रोह को। ठीक है, ताने दो ग्रोह, अगर दो ग्रुप वाइन, ये ज्यादती करते हैं आप बेला वजह की, वाइन ताइफतान, और अगर ताइफतान दो ग्रुप मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से मुसलमानों के, मोमिनीन के दो अफराद, दो पार्टियां आपस में अगर लड़ पड़े, तातालू आपस में लड़ पड़े, फासलहू तो उनके आपस में सुलह करा दो, बैनहुमा आपस में दोनों के दरमियान, फासलहू तो सुलह करा दो, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। वाइन ताइफतान, और अगर दो ग्रुप मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से एक तातालू लड़ पड़े, फासलहू तो सुलह करा दो, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। फाइन और फिर अगर बागत बगावत करे या ज्यादती करे। अच्छा, बागत का लफ्ज हमने पिछली सूरह मुबारका जो पिछला हमारा लेक्चर हुआ था सूरह मोमिनून में भी पढ़ा था। बागत इस तरह का लफ्ज हमने पढ़ा था उसमें, बताएं कौन सा था वो, जल्दी से बता दें। बागत, बागत लिख दो। नो सर नहीं पता, नहीं पता सर, ऐसे ही लिख दो, शर्म आनी चाहिए। अब आपको
इतना तो समझ आ जाने चाहिए था कि अल्फाज क्या है, उनका माना क्या है। बहुत सारे अल्फाज तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इसके, फा इन फिर अगर, इब्तगा, सना बिल्कुल सही कहा, बहना सना से पूछ लो, फा इन बस फिर अगर, बागत, बागत का माना था, हमने आयत पढ़ी थी पिछली सूरह मुबारका में, वल्लज़ीना लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला मगर अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, अपनी अजवाज पर, बीवियों पर और अपने लौंडियों पर, ठीक है, हिफाजत नहीं करते, फ़इन्ना इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मालूमीन, और इन पर अगर जाहिर नहीं करते तो उस पर कोई मलामत नहीं है। अगली आयत थी, फमा निबतगा वरा ज़ालिका, अगर जो इससे ज्यादा करते हैं, इस पर ज्यादती करे, इससे भरकर कुछ करे, ज्यादा की तलब, ठीक है, ये वही है, फमा निबतगा, जो उस पर ज्यादती करे, उस पर ज्यादा की तलब करे, मतलब था इब्तगा का मना था ज्यादा करना, ज्यादा चाहना, ज्यादती करना, इसमें भी वही माना है, फाइन फिर इन अगर बागत ज्यादती करे, एहदा हुमा, एहदा वाहिदुन एक को कहते हैं, एहदा हुमा दोनों में से एक, दोनों ग्रुपों में से, दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप जो है वो ज्यादती करे, आलल उखरा दूसरे पर, ठीक है, फाइन बे बस अगर बागत ज्यादती करे, एहदा हुमा दोनों में से एक, अला उखरा दूसरे पर, एक दूसरे पर जो है, एक ग्रोह दूसरे पर ज्यादती करे, फकातिलू तो उससे लड़ाई करो, अल्लती तबगी, ठीक है, अल्लती जो तबगी जो ज्यादती करता है उससे लड़ो, हत्ता यहां तक के, तफी आ अमरिल्ला, तफी आ का माना है तफी, हम कहते हैं ना वफात पा गया, वफात पा जाना, अल्लाह की तरफ रजू कर लेना, रजू कर गया, अल्लाह की तरफ चला गया, रजू करना, तफी आ का मना है रजू करना, कहते ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब कोई वफात पा जाता है तो भी हम कहते हैं अल्लाह की तरफ रजू करना है, इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह के लिए अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ रजू करना है, तो राज वही रजू जो है ना, तफी आ हत्ता तफी आ, वो रजू करे, इला अमर इला अल्लाह की हुक्म की तरफ, यहां तक के वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रजू करे, फा इन फिर अगर, फा अत वो रजू कर ले, फा अस्लिहू तो उनके बैनहुमान तो आपस में सुलह करा दो, ज्यादती करने वाले के साथ लड़ो, अगर वो सुलह करते हैं, पहले तो सुलह कराओ, इन वाइन शुरू से पढ़ते हैं, ताने और दो गुरु मिनल मोमिनीना, मोमिनीन में से दो गुरु इक्तातलू लड़ पड़े, झगड़ पड़े, फासले हु तो उनके आपस में, बैनहुमा आपस में सुलह करा दो, फाइन बागत एहदा हुमा अलल उखरा, अगर एक जो दोनों में से एक गुरु दूसरे पर ज्यादती करता है, अल्लाती फकातलू तो कताल करो, लड़ाई करो, जंग करो, झगड़ा करो, अल्लाती तबगी जिसने ज्यादती, जो ज्यादती करता है उसके साथ, हत्ता यहाँ तक तफिया व रजू करे, इला अमर इल्ला के हुक्म की तरफ, फाइन फिर अगर, फात व रजू कर ले, फासले हु, अब लड़ाई झगड़े के बाद उसको अकल आ गई है, कुछ और आ गया है, किसने समझाया, समझाया, बैठाया है, अब वो समझ गया आज ही मैं गलत था, वो ठीक था, अगर वो फात अगर वो रजू कर ले, फासले हु तो फिर आपस में, बहना हम आपस में सुलह करा दो, बिल अदल, अदल के साथ, वाक से तू नसीहत उसके साथ, इंसाफ के साथ, ठीक है, इन अल्लाह बेशक अल्लाह युहिबुल मुक्सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, तो सुलह करा दो और इंसाफ करो, बिलादिल वाक्सेतु और इंसाफ करो, अक्सेतु का मतलब अक्सेतु इंसाफ करना, मुक्सितीन इंसाफ करने वाले, ठीक है, अल्लाह ताला दोस्त रखता है इंसाफ करने वालों को, आगे चलते हैं जी, इन्नमल मोमिनून, बेशक मोमिन जो है इखवातुन, भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं, ये भी आत भर मशहूर है, इन नमल मोमिनूना बेशक मोमिन जो है इखवातुन, आपस में भाई भाई हैं, फासलहु तो सुलह करा दो, बैना अखवाइकुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, उसी आयत की कंटिन्यूटी है, बैना अखवाइकुम वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, या ऐ ईमान वालो, ला यसख़र कौमुन मिन कौमिन। अच्छा यहाँ पे दो मायना है, ला यसख़र तमस्खर ना करो, मजाक ना उड़ाओ, कौमुन मिन कौमिन कौम जो है तुम्हारी, एक कौम मिन कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। एक तो मायना कौम है, दूसरा का मायना इसका मर्द भी है, कुछ लोगों ने इसका मायना मर्द किया है, वो भी ठीक है, अब वो भी कर सकते हैं। एक तुम के तुम्हारे जो मर्द हैं, एक तुम्हारे जो एक मर्द है वो दूसरे मर्द का, मर्दों का मजाक ना उड़ाए। ला यसख़र कौमन मिन कौमिन, मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। आसा अजब नहीं, आसा का माना है अजब नहीं, अय कूनू, कूनू का माना बताएं जल्दी से, कूनू कूनू का मायना क्या है बच्चे जल्दी बता दें, हमारे पास वक्त कम है, आए अभी हमारे पास स्लाइड्स हैं कुछ, ये खत्म करनी है, हो जा, शाबाश सना कवल आपने कर दिया है। अन यकूनू के हो जाए, अच्छा अजब नहीं के हो, अन यकूनू के वो हो, दूसरे मर्द जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, तमस्कुर कर रहे हो, खैरम बेहतर, मिनहुम उनसे जो मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है, और बाबा आपका भी, हीरा आपका भी सही है। शुरू से पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला यसख़र, ना तमस्खर करो, ना मजाक उड़ाओ, ठट्ठा करना भी कहते हैं, कौमन मिन कौमिन, मर्द दूसरे मर्दों का, आसा अजब नहीं, अन यकूनू के वो हों, खैरम मिन हों तुमसे बेहतर हों, वला निसाउं मिन निसाइन, और ना ही औरतें दूसरी औरतों का ठट्ठा करें या उनका तमस्खर करें, उनका मजाक उड़ाएं, आसा अजब नहीं, अन यकुन्ना के वो हों, खैरम मिन हुन्ना उनसे बेहतर हों, औरतों पहले जो जिनका मजाक उड़ाए जा रहा है वो औरतें मजाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हों, ठीक है। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और एक दूसरे को ताने ना दो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ना करो, वला तलमिज़ू इल्ज़ाम ना करो, ताने ना दो अनफुसकुम एक दूसरे को, वला और ना तनाबज़ू बिल अलका, बुरे नामों से पुकारो, बेसा बुरा है, जैसे हमने सूरा जो पढ़ी थी फुरकान की अबादुर रहमान में, सात पढ़ा था ना, सात मुस्तकरमा मुकीमा, के वो बुरी जगह है आरजी ठहरने के लिए भी, सात बुरी जगह है आरजी ठहरने के लिए भी, और मुस्तकिल कयाम के लिए भी, दोजख की बात हो रही थी, सात ये बेसा बुरा है, बुरा बेसा ये बुरा है, ये बुरा है, इस्मुल फसूका बादल ईमान, के तुम फिसक वाले जो नाम है उनके, वो ईमान लाने के बाद ऐसा कहना बुरा है। यहाँ पे मैंने तर्जमा किया है फिसक के नाम लेने, ये मतलब बुरे नाम, वला तनाबज़ू बिल अलकाब, जो बुरे नाम से ना पुकारो, बेसल इसमें इस्मुल फसूक के, फिसक वाले नाम लेना यानी बुरे किसी के नाम लेना, बादल ईमान ईमान लाने के बाद, बेसा बुरा है, ये बुरे नाम लेना ईमान लाने के बाद बुरा काम है, नहीं करना चाहिए, ईमान ले आए तुम ऐसे अब उनको बुरे नामों से ना पुकारो, ठीक है। किसी के ज़ाहरी खराबी या कोई नकस की वजह से, जैसे किसी का अंधा होना, बेंगा होना, किसी अज़ा का ना होना, लंगड़ा होना, इस तरह से, या कुछ ज़ाहरी साख्त में कोई कमी है, इस तरह के किसी को फिर उसका नाम ऐसे रख देना, बुलाना उसको उन कमियों की वजह से, अल्लाह ने फरमाया कि बेसल इस्मिल फसूक के बाद ईमान, ईमान लाने के बाद ऐसे फिसक वाले जो नाम है वो देना बुरा है, अच्छा काम नहीं है। वमन लम, और जो लम का माना है नहीं, वलम वमन लम, और जो ना या तुब बाज आए या तोबा कर ले, या तुब तोबा करना भी है, बाज आना भी है, जो बाज ना आए, फौलाए कहो मुजालिम, तो यही लोग है जो जालिम है। आगे चलते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इज्तनाबू इज्तनाबू इज्तनाब करो, बचो, कसीरम मिनज़्ज़न्ने बदगुमानियों से, ज्यादा बदमानियों की कसरत से, जन
एक होता है यकीन, किसी बात पे यकीन होना, किस एक होता है वहम हो जाना, वहम भी कहा जा सकता है, बदगुमानी भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। वो कसीर में जन की कसरत से बचो, ज्यादा ना शक शुबा किया करो, शक ना ज्यादा किया करो। इन्ना बाद जन इस्म, इस्म का मतलब है गुनाह। बेशक बाज जो बदगुमानियां हैं, बाज जो शकूक हैं, वो इस्म है, गुनाह है। वाला और ना तजस्सुसु, और ना तजस्सुस किया करो, ना टटोला करो। वाला यगतुब, और ना गिबत करा करो। बादुकुम बादन, एक दूसरे की, तुम में से कोई एक जो ना वो दूसरे की गिबत ना करे, या उसकी बुराइयों के बारे में ना टटोला करे ज्यादा, उसकी बुराइयों का पता करने के लिए। वाला तजस्सुस को जसूसी ना किया करे। वाला तजस्सुसु, वाला यगतुब बादुकुम बादन, समझ आ गई बात की? बच्चे पिछली स्लाइड क्या रिपीट करूं सना? याहिलजीन आमनु, ऐ ईमान वालो, ला यसखरो, ना तमस्खुर करो करे, कौम मिन कौमिन, तुम्हारे मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, तमस्खुर ना करें। आसा, अजब नहीं, अन यकूनु, के वो हों, खैरम मिन हों, के वो उनसे बेहतर हों। वला निसाउन, और ना तुम्हारी औरतें, में निसाइन, दूसरी औरतों का तमस्कर करे। ऐसा मुमकिन नहीं, अजब नहीं, अय्या कुन्ना, के वो खैरम मिन हुन्ना, वो औरतें इन औरतों से बेहतर हों। वाला और ना तलमिजु अनफुसकुम, एक दूसरे को ताने दो या इल्जाम तराशी करो एक दूसरे पर। वला तनावजु बिल अलकाबे, और ना बुरे नामों से पुकारो। बेसल इस्मुल फसूक के बाद अल ईमान, और इस्मुल फसूक के फिसक वाले नाम लेना बाद अल ईमान, ईमान लाने के बाद, बेसा बुरा है। इस्मुल फसूक, फसूक फिसक वाले नाम, बुरे नाम लेना ईमान लाने के बाद बुरा है। वमल्लम, और जो ना यतुब, जो ना बाज आए या तोबा कर ले, हट जाए, सीधा हो जाए। मुमल्लम, और जो ना या तुब बाज़ाइफा, उलाइक हुम ज़ालिम, तो यही लोग ज़ालिम हैं। ठीक है, समझ आ गई सना? आगे चलते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़ ज़न्नि, ऐ लोगों, ईमान वालो, बचो कसीरन मिनज़ ज़न्नि, बदगुमानियों से, शकूक व शुबहात से, की कसरत से बचो। ज्यादा ना शक किया करो, ज्यादा बदगुमानियां पैदा ना किया करो दिल के अंदर। इन्ना बादा ज़न्नि इस्मुन, बेशक बात जो जन है वो गुनाह है, इसमें गुनाह है। वला तजस्सुसु, और ना जासूसी किया करो, ना गिबत किया करो, ना जासूसी किया करो, ना टटोला करो। वला यगतुबु, ना गिबत किया करो, बातों बादन एक दूसरे की। आ युहिब्बु, क्या आ अलिज़ बरा का मतलब है क्या? युहिब्बु, तुम पसंद करते हो। अहदुकुम, तुम में से कोई एक, अन याकुलो, तुम में से कोई एक ये पसंद करता है, अन याकुलो, कि वो खाए, याकुलो खाए, लहमा गोश्त, लहम कहते हैं गोश्त को, अखी है अपने भाई का, मैयतन मैयतन, अपने भाई की मैयत का नोच कर गोश्त खाए। तुम में से कोई बेहतर जानता है, कोई पसंद करता है इसको, अन युहिब्बु, कि वो पसंद करे, अहदुकुम, तुम में से कोई है, अन याकुल, अन याकुल, कि वो खाए, लहमा गोश्त, अखी है अपने, मैयतन अपने मरे हुए भाई का, पकारा है तो मुंह हो, फिर बस तुम इससे नफरत ही करोगे ऐसा करने से। ठीक है, अल्लाह तआला फरमाता है, पकारा है तो मुंह हो, तुम इससे बेशक तुम इसे नापसंद ही करोगे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तआला तव्वाबुन, तौबा कबूल करने वाला है, रहीम रहम करने वाला है। अच्छा, इन आयात जो अभी हमने पढ़ी है, नोह का माँ जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, वो मैंने लिखा है, वो अब आप ये पढ़ लीजिएगा, हमारे पास बहुत कम है, आपको स्लाइड बता दूंगा। मुसलमानों को इन बुराइयों से बचने की ताकीद की गई है जो इज्तमाही जिंदगी में फसाद पैदा करती हैं। आपको समझ आ रही है? पहले आयात में जो पहले हमने लेक्चर लिए थे, उसमें इंसान की अपनी शख्सियत को सही करने के लिए बताया गया था, इसमें बुराइयों से, माशर्ती बुराइयों से बचने की बताया गया है, जो ऐसी बातें जो माशरे में फसाद बर्पा करती हैं, जिनकी वजह से आपस के ताल्लुकात खराब होते हैं। ठीक है, और यही वजह है, अगर हम अपनी जिंदगी का, अपने माशरे का अगर हम तज्जिया करें ना, तो यही बातें हमें बार बार वो नजर आएंगी कि यही कमी है, और यही हमने जो जिसे मना किया जाए, हमने अपनाया हुआ है, ये गीबत वगैरह, ये सारी बातें हमने अपनाई है, तो ही माशरे में ताल्लुकात हमारे एक दूसरे के साथ खराब होते हैं। ये वो फल है जो बजाय
खुद भी गुनाह है और माशरे में बगार भी पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ने नाम बनाम इनका जिक्र फरमा कर इन्हें हराम करार दे दिया है। समझ आ गई बात की? उम्मीद है समझ आ गई होगी। वो नौ बातें ये हैं, फतबैनु, पहले तहकीक कर लिया करो, यही बात की थी। फिर उसके बाद सुलह करा दो, फासले हो सुलह करा दो, वाक से तू इंसाफ से काम लो, ला यसखर, तमस्कर ना उड़ाओ, तमस्कर ना करो, मजाक ना उड़ाओ, ठीक है, वला तलमिजु, बेइज्जती ना करो, ठीक है, इल्जाम तराशी ना करना, वला तनाबजु, बुरे नामों से ना पुकारना पुकारो, इस ताने बो कसीर में ना जन्ने कसर वहम से कि यार उसने ऐसा ही करना है मुझे लगता है वो ऐसा ही है, इस तारे वो कसीने में जन्ने तला कहता है बचो कसरत से, गुमान से की कसरत से बचो, ज्यादा वाहम ना किया करो, वला तजस्सुसु, और ना टोल लिया करो किसी की, जसूसी किया करो किसी की, टटोला करो किसी के बारे में किसी के ऐबों को, वला यगतुब बादुकुम बादन, और ना गिबत करो। ये सारी बातें देखें मैंने एक जगह पे लिख दी है, अपने आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, मैं पूछूंगा किसी दिन नौ के नौ पूछूंगा आपसे, बच्चों ये आपने याद करने हैं, ये याद करने कर आपको अगर जितने भी पेपर आए एग्जाम है इसका ताल्लुक नहीं है, एक मिनट में याद हो जाते हैं। फतह भैयान फासिल हूँ वाक से तू लाइस कर, वला तलमेज हूँ, वला तनाबस हूँ, इस तरह का सीने में नजन वला तजस्स हूँ, वला जब तो बहादो कम बहादा, ठीक है ना, आगे चलते हैं। या युनासो, ए लोगो, अच्छा बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है, पहले हम बात कर रहे थे या युलजी नामन, जितनी भी हमने याद अभी पढ़ी पीछे पढ़ी है ना उनमें सिर्फ लिखा हुआ था या युलजी नामन, ए ईमान वालो, लेकिन इस आयत में सरीहन अल्लाह ताला ने फरमाया या युहन्नास, ए लोगो, ये इस उसमें तो ईमान वालों का जिक्र था, जहां पे जिक्र है आम लोगों को, तमाम इंसानियत को, इन्ना बेशक खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, खलकना खलकना हमने पैदा किया कुम तुमको, मिन जकरिन व उनसा, एक मुजक्कर और मोनस से, जकरिन मुजक्कर व उनसा और मोनस, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, वजअलना कुम, और तुम्हें वजअलना, जाला का माना है, बताएं कि जाला का माना क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है, वजअलना, और जाला का मतलब है बनाना, बच्चों भूल जाते हैं आप, जालना बनाना, वजअलना कुम, और हमने बनाया कुम तुमको, शाउबन खानदान, व कबाइल, और कबीले, लितअअरफू, ताकि तुम पहचान सको एक दूसरे को, तुम्हें आपस में पहचान हो, लितअअरफू, तुम्हें आपस में एक दूसरे की पहचान हो, समझ आ गई बात, ले ये पहचान, लितअअरफू, ये पहचान के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें खानदान और कबाइल में तकसीम किया है, फजीलत और अजमत के लिए नहीं, बात समझ आ रही है, वजअलना कुम, हमने तुम्हें बनाया शाउबन खानदान व कबाइल और कबीले, ताकि लितारा को तुम आपस में पहचान कर सको, जट बरादरी, आरई बरादरी, राजपूत बरादरी, मोची, ये सारे जितने भी खानदान कबाइल जो बनाए हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे से की पहचान कर सको, अजमत और फजीलत यहाँ पे किसी भी खानदान की शो यहाँ पे अल्लाह ताला नहीं फरमा रहा, ना कोई हमें इससे सबक हासिल होते हैं ना याद से इस आयत मुबारक से कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैंने एक खानदान को दूसरे पर फोकित फजीलत दे दी है, अजमत करार दिया, नहीं यहाँ पे नहीं है, या अय्युहन्नास, तमाम लोगों, इन खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, मिन ज़करिन व उनसा, एक मर्द और एक औरत से, वजअलनाकुम, तुम्हें बनाया शाउबन खानदान और व कबाइल, और कबाइल कबाइल में तुम्हें तकसीम किया, लितअअरफू, तुम्हें दूसरे की पहचान कर सको, ताकि इन्ना बेशक अकरमकुम, करम वाला माकुम, तुम में से बेहतर जो है इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में से बेहतर वो है जो अतकाकुम, जो परहेजगार है, इन्नल्लाह खबी अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला इल्म वाला भी है और खबरदार भी है, सब कुछ जानने वाला खबरदार है। आगे चलते हैं, कालतिल एराबो आमन्ना, अब बात हो रही है यहूदी वो देहातियों की, जो देहात से कुछ देहातियों जहन लोग होते हैं, पेंडू जिसको हम अपनी जुबान में कह सकते हैं, ठीक है,
कालतिल कहा एराबो देहातियों ने आमन्ना हम ईमान ले आए। कुल आप कह दीजिए, ए नबी अब आप भी कह दीजिए, लम नहीं तू मिनू तुम ईमान नहीं लाए, लम तू मिनू तुम ईमान नहीं लाए, वाला किन और लेकिन कुलू तुम ये कहो असलम ना कि हम मुसलमान हो गए, बस इतना ही काफी है, तुम ईमान तो लेकर तुम सिर्फ मुसलमान हो गए बस इतना ही कह दो। वलम्मा और ना ही या दुखोलिल ईमान फी कुलूबे कुम और ना ही दाखिल हुआ है ईमान फी कुलूबे तुम्हारे दिलों में, ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, लेकिन देहाती कहते हैं हम ईमान ले आए, कह दो तुम ईमान नहीं लाए लेकिन तुम कहो कि हम मुसलमान हो गए और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, व इन और अगर युतीउल्लाह और अगर अल्लाह की तुम अताअत करो, व रसूलहु और उसके रसूल की, ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैआ, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अताअत करो तो तुम्हारे अमाल से कुछ भी कम नहीं करेगा अल्लाह, ठीक है, ला यलितकुम कम नहीं करेगा, जाया नहीं करेगा, मिन अमालिकुम शैअन तुम्हारे अमाल में से कोई भी चीज को। देखें मुसलमान होना तो वो है जैसे कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हम बच्चे से हम पूछे ना हम कौन है, मुसलमान, हम मुसलमान है। मुसलमान होना और ईमान वाला होना, अल्लाह ताला ने यहाँ पे दो कैटेगरी बता दी है, पेंडू ना बन जो कि हम मुसलमान है कि बस नाम के मुसलमान ही रहे। अल्लाह फरमाता है वाइन अतीउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो जैसे उन्होंने करने का हुक्म दिया है, जिन जिन मामलात में जो जो रहनुमाई की है, इबादुर्रहमान को अपनाएं, उनके सिफात को, मोमिनून की सिफात को अपनाओ, और माशरे में अगर रहना है तो ये जो नौ बातें मैंने आपको बताई हैं उन पर अमल पैरा हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल में से किसी चीज की कमी नहीं करेगा, तुम्हारे अमाल को जाया नहीं करेगा किसी चीज को। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूर रहीम बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अगली आयत मुबारका कितनी रह गई हैं, बस चार याद रह गई हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू, बेशक मोमिन, इन्नमल मोमिनून बेशक मोमिन वो है, इन्नमा इन्नमल मोमिनून बेशक मोमिन वो है, सच्चे मोमिन वो है, अल्लज़ीना जो आमनू ईमान लाए, बिल्लाहे अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, सुम्मा फिर, सुम्मा का माना है फिर, लम ना यरतबू उससे फिरे, फिर उन्होंने उस पर शक नहीं किया, उससे फिरे नहीं, लम यरतबू यरताबू उससे उस पर शक नहीं किया, ईमान ला फिर उन्होंने शक ना किया इस पर अपने ईमान पर और जो अल्लाह पर और रसूल पर लेकर आए थे, या उससे फिरे नहीं, लम यरतबू उससे फिरे नहीं, दोनों माना ठीक है। वजाहदू और जहाद किया, बे अमवालहिम अपने मालों से, वान फौसिहिम अपने जानों से, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रस्ते में, उलाएका वही है, हुम सादिकून जो सच्चे हैं, जो वाकई सच्चे मुसलमान हैं। पिछले आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया था, दोबारा देखते हैं, कालतिल आराबो आमन्ना, जो देहातियों ने कहा हम ईमान ले आए, कुल ए नबी आप इनसे कह दीजिए, लम तू मेनू तुम ईमान नहीं लाए, वलकिन कूलू बल्कि तुम इस तरह से करो असलम ना हम तो मुसलमान हो गए बस, वलम्मा
यदखोलिल ईमान फी कुलूबिहिम, और ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला फरमाता है व इन तुतीउल्लाह, अगर तुम अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की अताअत करोगे, फरमा बदारी करो, पैरवी करोगे, अहकामात पर अमल करोगे, ला यलितकुम, तो अल्लाह कमी नहीं करेगा, जाया नहीं करेगा, मिन अमालकुम शयन, किसी तुम्हारे अमाल में से किसी भी चीज की, तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। इन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। उसी बात को अल्लाह ताला मजीद आगे फरमा रहा है कि इन अमल मोमिनुना, मोमिन तो वो हैं, अल्लज़ीना जो ईमान, अल्लज़ीना मन जो ईमान लाए बिल्लाह, अल्लाह पर व रसूल ही और उसके रसूल पर, सुम्मा लम यरतबू, और उससे फिरे नहीं, उस पर शक नहीं किया, वजाहिदु, और फिर उन्होंने जहाद भी किया, जब मौका मिला उनको कहा गया, जब हुक्म हुआ कि जहाद करो लड़ो, तो वो वजाहदु, और उन्होंने जहाद किया, बे अमवालिहिम, अपने मालों से, घरों से माल भी लेकर आते थे, हथियार भी लेकर आते, वनफोसेहिम, और अपनी जानों से भी, खुद भी आते थे, कभी हम भी हाजिर हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में। अल्लाह ताला फरमाता है ये सब करने से, ये ईमान की पुख्ता दलील है कि तुम अल्लाह के रस्ते में हुक्म आ गए, लड़ो, जंग करो, जहाद करो, तो तुम निकल आते थे, यही पक्का ईमान है, मुसलमान होना काफी नहीं है। उलाइका हुमुस सादिकून, अल्लाह ताला फरमाता है यही लोग सच्चे हैं। कुल कह दीजिए, तो अल्लमूना का मतलब है जताना, जताना किसी बात को। अलिफ ज़बरा का माना क्या है, मैंने अभी आपको बताया पिछले कुछ आयात से पहले, अलिफ ज़बरा का माना क्या है, अलिफ ज़बरा का माना क्या है, बच्चे लिख दें ना, बहुत वक्त कम रह गया। आपने अभी जुमा की नमाज पढ़नी है, फीमेल में घरों में भी जोर की नमाज पढ़नी है, और मर्दों ने मस्जिद में भी, 5-7 मिनट थोड़े से ऊपर लगा लिया करें, और इन आयात को आप दोबारा या रात को, आज के दिन में आपने इनको रिपीट करना है तर्जमा के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से रटी जाए, इस तरह जहन नशीन हो जाएंगे सारी। ये आसान आयात, इतनी मुश्किल आयात इनमें से शायद एक दो रूप कहीं कहीं मुश्किल होंगे, बाकी सब आसान आयात हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो ये आपको आएंगी। निमरा ने लिखा है किसका, गलत लिखा है क्या, हीरा, बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद। अली जबरा का मतलब है क्या, मैंने आपको अभी बताया भी था, अली जबरा का मतलब है क्या। कुल कह दीजिए, आ तो अल्लमूना, क्या तुम जिताते हो, क्या तुम जताते हो अल्लाह, अल्लाह बेदीने को, अपने दीन को, अल्लाह अल्लाह को अपने दीनदारी जिताते हो, अल्लाह को अपना दीनदार होना, अपना दीन जिताते हो, ठीक है। कुल कह दीजिए, आ तो अल्लमूना, तुम जिताते हो, क्या तुम जिताते हो अल्लाह को, बेदीने कुम, अपने अपना दीनदार होना, अपने दीन का, बेदीने कुम, अपने दीन का अल्लाह को जिताते हो, दीनदारी अल्लाह को जताते हो, अल्लाह हो, और अल्लाह या अल्लाह वो जानता है, माफी समवाद में माफी जानता ना, तो सब कुछ जानता है जो आसमानों में जो जमीन में, तुम किस खेत की मूली हो, अल्लाह हो, और अल्लाह या अल्लाह वो जानता है, माफी समवाद में माफी अर्द, जो भी आसमानों में है व माफी अर्द जो जमीन में है, अल्लाह हो, और अल्लाह बिकुल शाइन अलीम, तमाम चीजों का जानने वाला है। अपने दीनदारी को ना जताओ, ठीक है, अपने दीनदारी को अल्लाह को क्यों जताते हो, हम मुसलमान हो, ईमान की बात अगर करते हो तो जब हुक्म आ गया है तो फिर निकलो घरों से, माल के साथ भी, जानों के साथ भी। तो ये फरमाता है सिर्फ ऐ राबो, ऐ देहातियो, ऐ पेंडुओ, सिर्फ जताओ ना कि हम मुसलमान हो गए हैं, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं अब जो ना वो बुतों की पूजा भी नहीं करता, या मैं फलां हजरत नबी को खुदा भी नहीं कहता, या खुदा के बराबर दर्जा नहीं किसी को, तो शिर्क नहीं करता मैं, ये सारी बातें, मैं तो मुसलमान हूँ। फरमाता है नहीं, ईमान वाले हो जाओ, पुख्ता, जहाद के लिए कहा गया तो निकलो जहाद के लिए। अगर तुम ईमान की बात तुम सिर्फ मुसलमान होते हो तो क्या इसका माना यही है, इसका मतलब तो यही है, सिर्फ आपने आपको मुसलमान कहने का मतलब सिर्फ यही है। आ तो अल्लाह बेदीने को, तुम अपने दीनदार होने को अल्लाह के आगे जताते हो, अल्लाह को जताते हो अपने दीनदार होने का, ठीक है। यमुन्नूना अलैका, अल्लाह ताला फरमाता है यमुन्नूना, ये भी ममनून होना,
कि मैं आपका बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ, एहसान मंद हूँ। कहते हैं ना ममनून होना, एहसान मंद होना। पहले बात हो रही थी कि अल्लाह को दीनदारी जताते हो तो अल्लमूना जताते हो बेदीन अल्लाह को। अब यहाँ पे बात हो रही है यमुनूना अली का अन असलमू, आप सल्लम पर अपने इस्लाम लाने का एहसान जताते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मुझे भी एहसान जताता है मेरी दारी कर, और आप सल्लम के पास भी आते हैं तो अपने इस्लाम, देखे ना असलमू का लफ्ज इस्तेमाल, या मोमिनून का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, अन असलमू, आप पर, आप सल्लम पर अपने इस्लाम लाने का एहसान जताते हैं। एराबी जो है, पेंडू जो है, यमुनूना अली का आप पर एहसान जताते हैं, अन असलमू के इस्लाम ले आए, अपने इस्लाम लाने का आप सल्लम पर एहसान जताते हैं। कुल कह दीजिए, फिर दोबारा कह दीजिए, ला तमुन्नू कोई एहसान नहीं अलैया मुझ पर इस्लाम अकुम, तुम्हारे इस्लाम लाने का मुझ पर कोई एहसान नहीं है, बल्लाह बल्कि अल्लाह, यमुन्नूना अलैकुम बल्कि अल्लाह ने यमुन्ना तुम पर एहसान किया, अलैकुम तुम पर, अन के हदाकुम तुम्हें हदायत दी, लिल ईमान ईमान की, इनकुम तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। सच्ची बात तो ये है ए नबी, इनको कह दीजिए यमुन्नूना अली का अन असलमू, यमुन्नूना अली का तुम पर एहसान अगर ये जताते हैं अन असलमू के हम इस्लाम ले आए, अपने सलाम लाने का तुम पर एहसान जताते हैं, कुल कह दीजिए ला तमुन्नू नहीं एहसान मुझ पर अलैया मुझ पर इस्लामकुम तुम्हारे इस्लाम लाने का, आप पर कह दीजिए, कह दो मुझ पर अपने इस्लाम लेने का एहसान ना जतलाओ, बल्लाह बल्कि अल्लाह, यमुन्ना अल्लाह तुम पर एहसान रखता है, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तुम पर एहसान रखता है, अन हदाकों के उसने ईमान की तरफ तुम्हें रहनुमाई की, लिल ईमान ईमान की तरफ तुम्हारी रहनुमाई की, तुम्हें हिदायत दी ईमान की, इन कुन तुम सादिक हो, तुम सच्चे हो, इन अल्लाह बेशक अल्लाह या आलम जानता है गायब समावात बल अर्द आसमानों और जमीन के गायब छुपे हुए मख्फी चीजों को भी अल्लाह ताला जानता है, वल्लाह हो बेशक और अल्लाह बसीरों बसारत रखने वाला देखता है, बेमा ता अमलून जो तुम करते हो। फरमाता है कि तुम कहते हो ना ईमान ले आए, हम तो ईमान ले आए, नहीं तुम तो सिर्फ मुसलमान हो, ईमान तो तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरा, तुम तो अहकामात को अपने जिस्मों पर अपने इरादों पर अपने ऊपर अपन तुमने हैवी होने नहीं दिया, जो अहकामात आए उन पर अमल करना शुरू ही नहीं किया, तुम तो सिर्फ मुसलमान हो, नाम के मुसलमान, वल्लाह बसीरुम पे माता अमलुन, अल्लाह देख रहा है, वल्लाह हो और अल्लाह बसीरुम देखता है बेमाता अमलों जो भी तुम करते हो। ठीक है, ये आखिरी आयत मुबारक, पूरी सूरत का नचोर, तीन बातें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी इस आयत इस हवाले से कि सूरह मुबारक में जो जो तरतीब दी गई है अहकामात की, जो बयान किया गया है वो तीन चीजें हैं। पहली थी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियां क्या हैं, तीन जिम्मेदारियां इन इस सूरह मुबारक में बताई गई हैं। पहली जिम्मेदारी माशरे की बात होती है तो माशरे में मौजिज़ और मुकर्रम जो हस्ती उस वक्त थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियां क्या हैं, नीचे तीन बातें मैंने लिखी हैं। तीन ही अहकाम बयान करने में अल्लाह रसूल पर सबकत ना लेना, कि एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान कर रहे हैं अहकाम दे रहे हैं तो दरमियान में बात काट कर अपनी बातें शुरू ना कर देना, सबकत ना लेना, बात करते हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतराम की रियायत करना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करो, जब पहली बात थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ बात करें, अब है कि जब आप बात करो नबी के साथ तो एहतराम की रियायत करनी है, धीमे लहजे में बात करनी है, अदब के साथ बात करनी है। तीसरी बात थी दूसरों के मुतालिबात मानने के लिए पैगंबर पर दबाव डालना, दूसरों के मुतालिबात मानने के लिए, ये बात वही थी जो अकबा की बात थी, वलीद बिन अकबा की, जो ज़कात लेने के लिए गया, फिर उसके बाद में जो जंग वाला मामला मुशावरत जो हुई, जंग का मामला तय हो गया, तो रसूल पर दबाव ना डाला जाए मुतालबात पूरे करने के लिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत सारी बातें कसीर मिन अल अमर, वो अगर लानी तुम, अगर रसूल तुम्हारी बहुत सारी बातें मानना शुरू कर दें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे,
ठीक है, ये पैगंबर के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियां ये थी कि इन चीजों को आपने खास ख्याल रखना है। दूसरी बात थी, अच्छा ये पहले जो 1 से 8 नंबर आयात तक तो इन्हीं बातों का जिक्र है, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है इस हवाले से तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैगंबर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियों की बात हो रही है। तो आपके पास ये 4 हेडिंग्स जो मैंने आपको लिख दी हैं, पैगंबर के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियां, और नीचे तीन जो टॉपिक्स, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपके हेडिंग्स बन जाएंगे। 4 तो यही बन गए, 1-2 आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं ईजीली, और आप 2-3.5 पेजेस का अच्छे तरीके से अगर आप तशरीह आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात थी आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 12 तक 3 आयात, एक दूसरे के बारे में मोमिनों की समाजी जिम्मेदारियां क्या हैं, एक दूसरे के बारे में, पहले वो नबी के बारे में थी, अब एक दूसरे के बारे में। पहला, मोमिनों के दरमियान सुलह का क्याम, असलहु की बात जो थी, एक दूसरे का मजाक उड़ाने और ताकीक करने से इज्तनाब, ठीक है। ये वही था अयस खरा के, तुम मजाक ना उड़ाओ, एक कौम दूसरे कौम की, एक मर्द दूसरे के मर्दों का, अजब नहीं कि वो उससे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरे औरतों का मजाक उड़ाएं, अजब नहीं कि वो उनसे बेहतर हो, ये वाली बात है। बदगुमानी से, तजस्सुस से, ससु, ठीक है, जन की बात हुई थी उससे, और गीबत से इज्तनाब किया जाए, गीबत से, ठीक है। ये सारी वो जो मैंने 9 चीजें बताई थी, वो 9 के 9 अहकाम इन्हीं आया, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, हेडिंग है दूसरे के बारे में मोमिनों की समाजी जिम्मेदारियां, ये 9 के 9 पॉइंट हैं, इसी के अंदर ही आती हैं, वो आपने रटनी है। अगली बात, दीन खुदा के बारे में मुसलमानों की जिम्मेदारियां। बच्चे आपको कुछ भी पूछना होता है, हम उससे पूछ लिया करें, मैं 10 दफे पूछेंगे, मैं आपको 10 दफा जवाब दूंगा। अपलोड करने से क्या होना है, कोई पढ़ता है, कोई सुनता है, कोई भी नहीं, किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है। जो चीज आपको पॉइंट क्लियर करना है, मुझसे पूछ लिया करें, 100 दफा पूछें, 100 दफा भी पूछें, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव आंसर दूंगा, और देता भी हूं, कुछ बच्चे पूछते भी हैं। दीन खुदा के बारे में मुसलमानों की जिम्मेदारियां, तीसरी जो बात इसमें की गई वो आयत नंबर 13 से लेकर 18 तक आखिर तक थी, वो ये थी नस्ली बर्तरी जो होती पर फख्र करने के बजाय तकवा की रायत, कि एक दूसरे पर अल्लाह ताला ने अगर पहचान दी है ना, दोनों कबाइल शाऊबन वाल कबाइल लेता आरफ, पहचान की बात हो रही है, दूसरे को पहचान सको, फखर की बात, फाखर की बात अल्लाह ताला ने इसमें नहीं की, कोई एक जो है दूसरे पर फखर भी करे, नहीं, नस्ली बर्तरी पर फखर करने के बजाय तकवा की रायत रखी अल्लाह ताला के, तुम में से बेहतर वही है, नस्ली इम्तियाज नहीं है, बेहतर वही है कि जिसका जो परहेजगार ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, दीन खुदा के बारे में जो मुसलमानों की जिम्मेदारियां हैं, दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह के राह में जहाद में सबत कदम रहना, दीन और जहाद में सबत कदम रहना, इस्लाम लाने पर पैगंबर पर एहसान ना जताना, ये तीन जिम्मेदारियां मुसलमानों की हैं कि हम अल्लाह के दीन के हवाले से जो एक दूसरे को नस्ली बर्तरी पे तफखर पे बात काम ना करें, सोचे ना, बल्कि दूसरे को अगर देखा तो उसका हमसे अच्छा तकवा वाला होना, अच्छा इबादत गुजार होना, उस पर अल्लाह ताला ने उसको फजीलत दी है, तो हम भी उसको ज्यादा एहसन अपने से बेहतर समझें कि उसका तकवा हमसे ज्यादा बेहतर है। और दूसरी बात जो जिम्मेदारी है दीन के हवाले से वो है कि सबत कदम रहें दीन पर भी इबादत के हवाले से, और जब जहाद की बात है किसी के खिलाफ तो हम उस पर भी सबत कदम रहें। और तीसरी बात जिम्मेदारी इस्लाम लाने पर पैगंबर पर एहसान ना जताना कि नबी या अल्लाह हमने तुम पर एहसान कर दिया, मुसलमान हो गए, मैंने ईमान, मैंने इबादतें भी सारी करने शुरू कर दी है, मैंने यही भी वो भी ज़कात देना शुरू कर दी है, बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला फरमाता है कोई एहसान नहीं है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, 1 बज गया है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। आज की बात बहुत सारी बातें होती हैं, तो आज की बात इन आयात के हवाले से ही है कि हम अपने नबी के साथ बहुत ज्यादा उल्फत रखें, तौहीन रिसालत, आज कल का जो कि मुख्तलिफ ममालिक में बाशऊर अफराद होने के बावजूद वो मुर्तकब होते हैं नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, तो करें जो भी करते हैं, हज़रत सल्लम की जिंदगी में हज़रत सल्लम को लोग तौहीन भी करते थे, कौली भी और अमली भी, फेली भी तौहीन भी करते, उसको ज़ियत भी देते थे, मारते भी थे, बहुत कुछ करते थे, बल्कि कता ताल्लुक भी किया 3 साल हज़रत सल्लम ने जड़ी बूटियां खाई शबे अभी ताल्लुक में आप और आपके कुछ खानदान के लोगों ने। तो हमें चाहिए कि हम आज की बात
चलो छोड़ दें सर, मैं अक्सर करते रहता हूँ। आज की बात यह है, आपको रिपीट करवा रहा हूँ, इबादुर रहमान की आयात, सूरह मोमिनून की आयात आपको रट्टी रटाई होनी चाहिए, आपको पक्की याद होनी चाहिए, आप नमाज के अंदर पढ़ा करनी, ताकि अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद आएगी इंशाल्लाह। जब आप अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के कलाम को नमाज के अंदर अगर वो याद करके पढ़ेंगे, और आप रिपीटिशन आपके अंदर भी जेहन को भी आप अपने आपको याद दिलाएंगे कि हाँ ये अच्छी बात है, ये मैंने अख्तियार करनी है, आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे, इंशाल्लाह बच जाएंगे। ठीक है, तो यही किताब हिदायत है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।